रंजन जमुना तीरा वनचारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 विष्णुपाद परमहंस परिव्राज प्रचार अष्टोत्तर सतसी श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय राधा कुंज बिहारी की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर नित्य की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री बलराम कथा महोत्सव की जय समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज हरे कृष्ण ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान
सहगणा ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में है His Holiness प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। महाराज पिछले 1983 से 37 ईयर से वृंदावन में वास कर रहे हैं और महाराज 1985 में His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पहला दीक्षा ले लिए हरिनाम दीक्षा और 1989 में सेकंड इनिशिएशन ले लिए और 2 अप्रैल 2008 में महाराज का संन्यास भी दीक्षा हुआ है और महाराज इस्कॉन में बहुत फेमस है और महाराज कई सारे सेवा किए हैं इस्कॉन में। शुरुआत में बस पार्टी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं और महाराज बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टी को अरेंज किए हैं और पिछले साल हमारा सौभाग्य रहा कि महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन के टाइम में ही महाराज आए थे। महाराज ने सभी कांग्रेगेशन को और ब्रह्मचारी को ऐसे इंस्पिरेशन दिए हैं तो महाराज के आशीर्वाद से महाराज के कृपा से हमारा नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हुआ है। ये महाराज का विशेष कृपा हमारे ऊपर रहा और खास करके महाराज काफी बार उनके पंजाब में बस जब पलटी हो गया था उसको महाराज कैसे रक्षा करने के लिए वहां पर ही रहे और वो जो स्टोरी है वो जो पास्ट टाइम है उनको हम बार बार याद करते हैं। और महाराज 5 वृंदावन में न्यू भक्त ट्रेनर डायरेक्टर रहे और महाराज अक्सर हर जगह ट्रैवलिंग प्रीचर के रूप में सेवा करते हैं। कानपुर, अलाहाबाद, पटना, बनारस, झांसी, लखनऊ, चंडीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली और उड़ीसा में राउरकेला, बरहमपुर, खुर्दा और महाराज विदेश में भी प्रचार करते हैं जैसे लंदन में। और महाराज का जो वैष्णव सॉन्ग है, भजन है, बहुत ही विशेष रूप में महाराज गाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। और महाराज का खास करके उड़ीसा में जन्म हुआ है, खास करके रेमुना के पास में। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज मुझे बता रहे थे, सर्वलक्षण प्रभु उड़ीसा में जो भी जन्म उड़ीसा और बंगाल में जो जन्म लिया है उनका एक एक खून में कृष्ण भक्ति ये प्रसार हो रहा है। तो उड़ीसा में और बंगाल में खास करके जन्म लिया जगन्नाथ जी के और श्री चैतन्य महाप्रभु का ऑलरेडी उनका पहचान रहता है और खास करके इस्कॉन में जुड़ के महाराज जो प्रचार करते हैं तो और खास करके महाराज का जो जगन्नाथ कथा है, हर हर बार जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो महाराज पुणे में आते हैं अपना दिव्य संग दे के हम सबको आह्लादित करते हैं। तो खास करके आज महाराज बलराम जयंती के बारे में बोलने वाले हैं तो महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अभी तो COVID-19 के वजह से हम महाराज का पर्सनल संग नहीं ले पा रहे तो जब भी ये जो लॉकडाउन खुल जाएगा तो महाराज पर्सनल संग देके हमको और ज्यादा अपना संग देंगे, इसलिए महाराज से प्रार्थना करते हैं और महाराज जी को धन्यवाद देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो
कक्षा आज और काल दो दिन में विशेष रूप में केवल बलराम जी की तत्व, आज कक्षा में केवल बलराम जी की तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बलराम जी के आविर्भाव के बारे में सोचता हूँ कि जिस दिन जो जब बलराम जी की आविर्भाव का दिन ही जो वक्ता रहेंगे वो बोले बोलना बोलने से अच्छा रहेगा। और काल जो लेक्चर होगा विशेष रूप में है उसमें बलराम जी की कुछ लीलाएं वर्णना करेंगे। तो आज विशेष रूप में बलराम जी की तत्व, पहले भागवत से एक श्लोक पढ़कर तात्पर्य के साथ, इसके बाद बलराम जी की तत्व की चर्चा विशेष रूप में आज करेंगे, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हे न नितार बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, बलराम जी आदि गुरु है, वो कृष्ण के साथ बलराम के रूप में आए, भगवान रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण के रूप में आए, तथा गौरांग महाप्रभु लीला में वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम भागवत के एक श्लोक पढ़ते हैं जो कि ये दशम स्कंद के दूसरे अध्याय की ये 13 नंबर श्लोक है, जिसमें बलराम जी के तीन नाम की वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जोगमाया देवी को बढ़ते हैं। गर्भ संकर्षणात्तंबई प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात्। गर्भ संकर्षणात्तंबई प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात्। गर्भ संकर्षणात्तंबई प्राहु संकर्षण भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात्। गर्भ संकर्षणात् देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को बड़ी निषेध है। प्राहु लोग कहेंगे, संकर्षणम संकर्षण को, भूभी संसार में, राम इति राम कहलाएगा, लोकरमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से, बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा, बल उच्छयात प्रचुर बल के कारण। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहा लाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और समस्त गोकुल के निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपने प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य, बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण है। महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं, भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी तीन राम का, जो कि परशुराम रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है, ये सभी राम है। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए
तो उनकी पहला विस्तार श्री बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जो स्वयं भगवान सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम स्वयं भगवान ने कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही पहला विस्तार है। तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है और भगवान बलराम उनकी द्वितीय शरीर है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है और उनके प्रथम विस्तार से बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं और जिनकी शक्ति सीमित होती है जैसे हम जीवात्मा है तो विभिन्नांश कहलाते हैं। बलराम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ही एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय बुह्य कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय बुह्य है और कृष्ण के दिव्य लीला में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार बलराम और कृष्ण में कोई विशेष कोई प्राय पार्थक्य नहीं, केवल शरीर का रंग कृष्ण काले हैं और बलराम सांवले रंग के हैं और बलराम गोरे हैं। तो इसके अलावा दोनों में शक्ति सामर्थ्य में कोई बल में कोई अंतर नहीं बताया गया। और जैसे भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज में सब लीलाओं को प्रकट करते हैं, शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य लीलाओं को आस्वादन करते हैं, बलराम जी के भी ठीक से सेम समस्त लीलाओं को कृष्ण के साथ में वो आस्वादन करते हैं। कोई कह सकते कि ठीक है अन्य लीला तो गए लेकिन माधुर्य लीला में बलराम जी की कौन सा भूमिका है, लेकिन बलराम जी जैसे कृष्ण स्वयं रास रचाते हैं तो बलराम जी की भी अपने ग्रुप के कुछ गोपियां हैं जिनके साथ बलराम जी भी रास रचाते थे, विशेष रामघाट जय जय रामघाट रोहिणी नंदन। जो ब्रज में जमुना के किनारे वो रामघाट भी आज भी प्रसिद्ध है जहां पर बलराम जी रास रचाए थे। तो इसी प्रकार दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाया जाता है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि दोनों में कोई अंतर नहीं है कि दोनों एक ही स्वरूप है और केवल शरीर भिन्न है। जैसे प्रारब्ध सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हुए महाप्रभु जैसे कहते हैं प्रारब्ध वैभव प्रकाश और प्रारब्ध प्रकाश भगवान की जो विस्तार में प्राय स्वरूप तो एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा कलर में शरीर के रंग में भेद है बलराम प्रारब्ध प्रकाश होने के कारण, लेकिन इनकी शक्ति सामर्थ्य और लीला में ये समस्त लीला में भाग लेते हैं। भगवान दोनों में ये अंतर है कि वो सेव्य भगवान है, भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी विशेष रूप में कृष्ण के सेवा करके ही आनंद लेते हैं, इसलिए इनको सेवक भगवान कहते हैं। सेव्य है कृष्ण और सेवक है बलराम, इतना ही अंतर है कि बलराम सब समय दास अभिमान रखते हैं। तो इसलिए ये बलराम जी कभी उनके छोटे भाई बनते लीला में जब आते हैं तो कभी छोटे बन के आते हैं कभी बड़े बन के आते हैं। जैसे कृष्ण लीला में तो ये बड़े बन के आए हैं भगवान के साथ में, बलराम बड़े भाई की भूमिका निभाए, लेकिन कभी हम देखें कि रामचंद्र जी की लीला लक्ष्मण छोटे भाई बनकर आए थे
छोटे थे और रामचंद्र जी बड़े थे, लेकिन क्योंकि रामचंद्र जी की लीला में कई प्रकार के अघटन जिसको लक्ष्मण जी उस घटना में स्वयं को शामिल करना वीला भाग लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के आदेश पालन करके उनको से वो लीला भाग लेने उनको बाध्य होना पड़ा। जैसे सीता जी को वनवास वन में लेकर छोड़ना, वाल्मीकि आश्रम के पास एकांत में लेकर सीता को जंगल में छोड़ के आना, सीता को अग्नि परीक्षा आदि में बड़ा लक्ष्मण जी बहुत गुस्से होते थे। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, यदि कभी मैं लीला में आऊंगा तो बड़े बनकर आऊंगा। इसलिए कृष्ण की लीला में बड़े बनकर आए, लेकिन पहले तो हम जाने कि कृष्ण माने बलराम जी की क्या स्वरूप है। जैसे यह कहे कि पहला विस्तार ही कृष्ण का पहला विस्तार ही बलराम, लेकिन साथ साथ बलराम को मूल संकर्षण भी कहते हैं। बलराम जी जो कृष्ण का ही पहला विस्तार है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करे कृष्णेर सेवन। भगवान बलराम ये मूल संकर्षण है और वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए पांच अन्य रूप भी धारण करते हैं। मूल रूप जो ये मूल संकर्षण जो भगवान श्री कृष्ण से जो बलराम विस्तारित हुए, इनको भी कभी कभी मूल संकर्षण के रूप में भी कहा जाता है। और ये मूल संकर्षण ही सही चतुर्भुज जो कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध विस्तारित होते हैं, और ये द्वितीय संकर्षण इनको ही महासंकर्षण भी कहा जाता है, जो वैकुंठ जगत में किसी एक में वो निवास करते हैं, निवास करते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को नियंत्रण करते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही वा उन्हीं की वो सभी प्रत्येक वैकुंठ लोग, असंख्य वैकुंठ लोग जिसमें भिन्न भिन्न विष्णु मूर्ति आप अन्य अन्य लीलाओं निवास करते हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं नित्य लीला में, तो ये सब का जो आधार है बलराम जी संकर्षण के रूप में वहां पर महासंकर्षण के रूप में रहते हैं। इसलिए बलराम जी के तत्व को कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप में समझाते हैं, तो कहते कि पांच मुख्य श्लोक उन्होंने बोलते हैं। सबसे पहले कहते कि बलराम जी को कि संकर्षण कारण साई गर्भ दोषाई चयोधि साई शेषश्च यस्यांश कला सह नित्यानंद रामं शरणं ममास्तु। वैसे नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांग पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्ष शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस श्लोक को हम विशेष रूप में स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने डायरी में नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र के रूप में उन्होंने इसको लिखा है, वे बलराम जी की प्रणाम नित्यानंद बलराम की प्रणाम मंत्र। तो ये कहते कि ये एक रूप में वो तो स्वयं रूप में कृष्ण के साथ लीला में भाग लेते हैं। आपने करे ना कृष्ण लीला रा सहाय, स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायक बनते हैं। जैसे ही कहते कि उन्होंने शांतरस के रूप में संपूर्ण धाम के रूप में स्वयं को विस्तारित करके रखे हैं, जो दास्य रूप में उनके दास के रूप में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य में माधुर्य मान्य वात्सल्य और साक्ष्य लीला में सखा के रूप में उनके साथ गोचारण लीला आदि, और सो डिटेल आप आगे विस्तार करेंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने माधुर्य लीला में भी, जैसे कुछ रसिक आचार्य कहते कि नहीं वो माधुर्य लीला में भी अनंग मंजरी जो कि इनकी विस्तार है, राधारण के छोटे बहन, ये भी बलराम जी के विस्तार है। इसी रूप में सारे लीला में तो सहाय करते हैं, आपने करे न कृष्ण लीला रहाय सुष्टि आदि लीला कार्य करे धरी चारिका है।
ये जो संकर्षण कारण तो है साई विष्णु, गर्भदक को साई विष्णु और क्षीराब्धि साई विष्णु और अनंत शेष। इसमें जो पहला जो है जो कि संकर्षण, ये तो इनकी विशेष में इनकी लीला में सहायक करते हैं, लेकिन सृष्टि कार्य ये चार रूप धर के ही विशेष, ये चार रूप संकर्षण कारण को सही, गर्भदक को सही, क्षीराब्धि सही, ये चार रूप में ये चैतन्य बलराम कृष्ण लीला में कृष्ण की सहायता कर, कृष्ण की सृष्टि कार्य में इनको सहायता करते हैं। इनके संकर्षण ही जो द्वितीय चतुर्भुज में संकर्षण, ये संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के विस्तार व आध्यात्मिक जगत के परिचालना करते हैं। सब सारे विष्णु इनसे ही इनसे ही सारे विस्तार होता है आध्यात्मिक जगत। और तो इसलिए संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को धारण करके इन्होंने ही रखा सारे असंख्य वैकुंठ लोक को। लेकिन विशेष रूप में और जो आगे अवतार है, कारण दोषाई विष्णु, गर्भदक साई विष्णु, क्षीरदक साई विष्णु और अनंत, ये तीनों रूप में इन्होंने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाए। इसलिए सृष्टि कार्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चारों को वर्णन करते हैं कि सृष्टियादि का सेवा तार आज्ञा र पालन शेष रूपे करे न कृष्ण र विविध सेवा। विशेष में ये जो सृष्टि कार्य आध्यात्मिक जगत के सृष्टि कार्य होते हैं संकर्षण, लेकिन जो भौतिक ब्रह्म जो भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जब सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फिर कारण दो सही विष्णु आते हैं, जो कारणार्णव सागर जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो कारणार्णव सागर में शयन किए हुए जो कारण दो सही विष्णु है ये भी संकर्षण ही, संकर्षण का ही विस्तार है, संकर्षण स्वयं को विस्तारित करके ही वो कारण दो सही विष्णु के रूप में है, कारणार्णव सागर में शयन करके रहते हैं, जिनकी एक श्वास के अवधि ही किसी भौतिक ब्रह्मांड में जो जो सस्ता जो ब्रह्मा जी की परमायु की अवधि है एक ये उसी कारणार्णव सागर में ये कारणार्णव साई विष्णु शयन करते हैं। और एक ही श्वास जो श्वास बाहर आता है असंख्य कोटि ब्रह्मांड के साथ ये समस्त सृष्टि बाहर आ जाते हैं। जब ये फिर निश्वास में अंदर में ले लेते हैं तब फिर ये सारे ब्रह्मांड के समाज समेत सारे सृष्टि उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ये जो कारण दक साई विष्णु ये भौतिक ब्रह्मांड के कारण माने जाते हैं, इनकी लोगों को से असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होता है, जो कि कारण दक सागर जल में एक फुटबॉल के समान ये सब भासते रहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड जो सृष्टि होता है कारण दक साई विष्णु से, उसी में ही फिर गर्भदक साई विष्णु प्रवेश करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में उन्हें ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं। छोटा ब्रह्मांड है तो चार मुख वाले और बड़े से बड़े ब्रह्मांड में परार्ध मुख वाले तक ब्रह्मा को ये सृष्टि करते हैं गर्भदक साई विष्णु, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके ही अपने पसीने के जल में शयन करके रहते हैं और उन्हीं की नाभि कमल से जो नाभि से जो कमल उगता है कमल के में से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार ये गर्भदक साई विष्णु भी ये भी ये कारण सही मैंने संकर्षण से कारण सही विष्णु, फिर गर्भदक सही विष्णु, क्षीराब्धि सही विष्णु जो कि परमात्मा की भूमिका निभाते हैं, जो प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और ब्रह्मांड में जो कि यही विष्णु ही जो कि धर्म को संस्थापना करने के लिए परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, यही भिन्न अवतार लेकर भी भक्तों को पोषण करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं। इसी प्रकार ये तीनों विष्णु कारणदक सही विष्णु, गर्भदक सही विष्णु और क्षीराब्धि सही विष्णु, ये तीनों विष्णु भी ये बलराम जी का ही बलराम बा उनसे उनकी विस्तार संकर्षण से ही ये तीनों विष्णु आते हैं। और अंत में जो रह गए शेष रूप में, अंत रूप में जो अशेष कोटि ब्रह्मांड को अपना अनंत फणों में धारण करते हैं,
जो कि कहा गया कि उनकी फण के ऊपर एक सोरसों की दाना के समान ये अशेष कोटि ब्रह्मांड है, जो कि निवास करते प्रत्येक फण में एक एक सोरसों की दाना के समान ये ब्रह्मांड उनकी माथे पर विराजमान रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो थक जाते हैं, नहीं, उसी अशेष कोटि जो कि उनकी फण है उसी फणों में से सहस्र फणों में सभी मुखार अपने दिव्य मुखार बिंद से मेरे भगवान के गुणगान भी करते रहते हैं। अनादिकाल से ही अनंत ये गुणगान करते रहते, लेकिन भगवान के गुणगान कभी ये अभी तक शेष नहीं कर पाए, अनंत गुणगान करते हैं। इसलिए इनके नाम अनंत शेष, क्योंकि भगवान की जितनी भी सेवा प्राय ये समाप्त कर देते हैं। पहले तो तीनों संकर्षण और तीनों पुरुषावतार रूप में सृष्टि कार्य में सहायता की है, लेकिन शेष रूप में करे कृष्ण र विविध सेवा, ये शेष विशेष रूप में जो यही बलराम बलराम की शेष रूप में बलराम जी की विस्तार, ये समस्त प्रकार की सेवा करते हैं, जो कि शेष के रूप में वे कृष्ण के अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि अधिकारियों का मत है कि मूल चतुर्भुज में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है, कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपने विस्तार पांच रूप में करते हैं, महासंकर्षण, कारण अब्धिशाई, गर्भदिशाई और क्षीराब्धिशाई, और पांच में है शेष। ये पांचों पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत के कारण स्वरूप है। इन पांच रूप में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलाप में सहायता करते हैं। इसमें से प्रथम चार जो कि विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, और शेष भगवान की निजी सेवा में सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकार से भगवान के विस्तारण की सेवा करते हैं, अनंत विस्तारण की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है, जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्य में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु यही बलराम है, जो सेवक भगवान बलराम ही है। ये आपने निरंतर सान्निध्य से गौरांग महाप्रभु का भी वैसे ही सेवा करते, जैसे ही बलराम जी ने विशेष रूप में कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सभी रहस्य में कैसे भगवान की सेवा करते हैं उसके वर्णन भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला पूर्वे जन तीन भावे ब्रजे कैल खेला। विशेष रूप में बलराम जी कभी बात्सल्य रस में उनकी बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। बलराम जी बात्सल्य है, लेकिन ये विशेष रूप में इनकी जो साक्ष्य भाव ये बात्सल्य मिश्रित साख है। इस प्रकार साक्ष्य ने बात्सल्य रस में ये बड़े भाई होने के कारण कृष्ण के प्रति सहज बात्सल्य इनके पास रहता है, लेकिन ये आदि गुरु के भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए कभी कभी ये बलराम जी को भी दांडते हैं, बड़े भाई होने के नाते हैं बलराम जी को भी कभी दांड देते हैं। ये इसलिए कृष्ण के सेवक के रूप में बात्सल्य रस में इनकी सेवा करते हैं। इसकी उदाहरण देते हुए कहते हैं कभी कभी जो खेलने में परिश्रम होता है, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपाद संग उपवर्हणम स्वयं विश्रमय त्याज्यं पाद संवाहनादि भी। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, जो कि दशम स्कंध की 15 अध्याय की 14 नंबर श्लोक को कोट करते हैं। किस प्रकार कभी कभी ऐसे ही भगवान बलराम जी ऐसे ही क्लांत अनुभव करे, किसी का ग्वाल बालक की गोद पर सिर रखकर जब ये शयन कर लेते हैं, तभी गोपाल संगो उपवर्णम, तभी भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं जाकर पाद संवाहन आदमी बलराम जी के पैर दबाने लगते हैं, क्योंकि बड़े भाई है, दाऊजी है। और इसी भाव से
भी इनकी बड़ा हमने वो कभी कभी कृष्ण इनकी पैर भी दबाते हैं, बलराम जी की सेवा करते हैं, लेकिन साक्ष्य रूप में भी विशेष रूप में बलराम जी और कृष्ण दोनों साथ में गोचरण लीला में जाते हैं। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ब्रुषयमाण तदंत युधान परस्परम अनुकृत्य जंतु शरतु प्राकृत यथा। कभी कभी सखा के रूप में साथ में गाय लेकर जंगल में जाते चराने के लिए, तो अभी उन्होंने विशेष रूप में इनको अनुकरण करते गाय की, जैसे हम शब्द को कभी कभी मुख से बोलते हैं, भिन्न भिन्न पशु पशु पक्षियों की आवाज को भी इन्होंने बोला करते हैं। इनको बलराम भी कृष्ण के साथ में ऐसे ही करते, ब्रुषय मानव विशेष रूप में ऐसे कपड़े को ऐसे सिर में ढाक कर स्वयं को संध जैसे बैल परस्पर जैसे लड़ाई करते, ऐसे कभी कभी सिर में सिर हाथ में हाथ, कभी इस प्रकार कुश्ती कसरत में भी भाग लेते हैं। और कभी कभी पशु पशु पक्षियों की आवाज को उनको भी अनुकरण करते हुए उनको फिर उसी प्रकार आवाज भी निकालते हैं। सखा के रूप में भी ये कभी कभी खेल में भी भाग लेते, जो एक दल में एक पक्ष में कृष्ण जब ये मुख्य रहते तो दूसरे पक्ष में बलराम जी मुख्य रहते हैं, तो परस्पर में कभी कभी इसमें खेल में भी परस्पर में कुश्ती कसरत आदि करने में ये लगे रहते हैं। इसी प्रकार बलराम जी वात्सल्य रस में भी साक्ष्य रस में भी भाग लेते हैं। वात्सल्य रस में विशेष रूप में जब माँ जसोदा कहती है कि बलराम देखो ये कन्हैया बहुत नटखट है, मैं इसको केवल जंगल में तेरा भरोसा में छोड़ता हूँ, इसलिए इस कन्हैया को ठीक से देखभाल करना, कन्हैया की नजर रखना। तो बलराम जी कहते कि हाँ हाँ, अरे कन्हैया ये मुझे चिंता मत करना जसोदा मैया, मैं कन्हैया को पूरा ठीक ठीक गाइड करूंगा, अरे इसका पूरा संपूर्ण उसकी देखभाल करूंगा। ऐसे कहकर माता जसोदा को सांत्वना देकर बलराम जी कृष्ण को लेकर गोचारण लीला में जाते हैं। इसलिए वात्सल्य में है, साक्ष्य भाव से उनके साथ में एक साथ में गाय चराना आदि लीला में है। भगवान श्री कृष्ण भी इनको बड़े सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं बलराम जी के साथ। और कभी कभी बलराम जी भी आश्चर्यचकित रहते हैं कृष्ण की लीलाओं को, यदि कृष्ण कभी कभी ऐसा ही लीला करते हैं जो कि बलराम जी के ज्ञान के बाहर रहता है, जिस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला में। अवश्य उस दिन तो बलराम जी की अघासुर को जिस दिन भगवान ने मारा थे उस दिन बलराम जी की जन्मतिथि था, इसलिए उन्होंने जंगल में उस दिन गए नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण ही अकेले बच्चों के साथ थे। इसीलिए आप जिस दिन काली दमन की लड़ा में काली नाग के साथ जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के संघर्ष हुआ, तो उस दिन भी बलराम जी के जन्मदिन था, इसलिए बलराम जी वो लीला में नहीं गए, तो नहीं तो सर्पों की लीला बलराम जी के सामने नहीं होगा। तभी तो इसी रूप में बलराम जी विशेष रूप में जब ये अघासुर को वध करने के बाद और जब ये विशेष रूप में वो ब्रह्म लीला में जब भी ब्रह्मा जी गाय सॉरी बच्चों को ग्वाल बाल चोरी कर लिए थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को विस्तारित थे बच्चों के रूप में और ग्वाल बाल के रूप में, उस बात को बलराम जी नहीं जानते थे। लेकिन एक साल के बाद भगवान ऐसे जो लीला कर रहे थे, वही जो स्वयं को विस्तार करके बच्चे और ग्वाल बाल के रूप में है, बछड़े और ग्वाल बाल के रूप में है, लेकिन बलराम जी देखे ये साधारण ब्रजवासी है, उनकी प्रेम ज्यादा तो कृष्ण में है, लेकिन आजकल तो अपने बच्चों के प्रति और ये बच्चों के प्रति इनकी विशेष कैसे गाय की भी अपने अधिक आकर्षण बच्चों के प्रति होने लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने स्वयं बलराम जी कहते कि मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ये किसकी माया है, के अंगवा कुतो आगत, ये कहाँ से आया। श्रीमद भागवत के दसम स्कंद में इसकी वर्णन आता है, 37 नंबर श्लोक। तो उन्होंने कहते कि ये दसम स्कंद के 37 नंबर श्लोक में कहते कि केयंग बा कुतो आयता दैवी बा आसुरी, ये दैवी कौन सा शक्ति है जो कि मुझे मोहित कर लिया। एक साल तक ये इनको मैं पहचान नहीं पाया ग्वाल बल शक्ति, तब उन्होंने कहते कि किसका शक्ति किसकी माया है,
जो कि ये जोग माया बा महामाया ये कोई मुझे मोहित नहीं कर सकते, लेकिन विशेष रूप में वो समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर बाद में विस्तार में बताते हैं बलराम जी को किस प्रकार फिर वो सारे घटना। इसी प्रकार भगवान बलराम जी कृष्ण के साथ में कभी वात्सल्य लीला में भी भाग लेते हैं, कभी साक्ष्य भाव से, और विशेष रूप में दास्य भाव से भी दास्य अभिमान रखते हैं कि मैं जैसे नित्यानंद प्रभु अभिमान रखते कि चैतन्य रदास मुहि चैतन्य रदास। इसी प्रकार लक्ष्मण भी जैसे अनुभव रखते कि लक्ष्मण के रूप में उन्होंने रामचंद्र जी के दास के रूप में सदा अभिमानी थे, अभिमान रखते थे, उसी प्रकार बलराम जी भी स्वयं को कृष्ण के दास समझते हैं। बड़े भाई होने पर भी वो जानते थे अपनी स्थिति को। विशेष रूप में एक उदाहरण कृष्णदास कविराज को स्वयं प्रस्तुत करते हैं। जबी लक्ष्मणा के स्वयंवर सांबर लक्ष्मणा की घटने में जबी सांब ने लक्ष्मणा को हरण करती है तो सारे कौरव सेना कौरव के वयोज्येष्ठ कौरव योद्धा से मिलकर एकाठी होकर इनको बंदी बना लेते हैं। तो परस्पर में फिर समझौता करने के लिए बलराम जी जाते हैं, नहीं तो दोनों पक्ष में जदुवंशर और जदुवंशियों के बीच में और कौरव वंश की बात बीच में है, युद्ध होने वाला था, दोनों में झगड़ा हो रहा था, लेकिन बलराम जी शांति प्रिय है, सदा शांत अच्छा लगता है इनको शांत रहना, झगड़ा झटे इनको अच्छा नहीं लगता। हम जैसे देखे कि महाभारत युद्ध में भी वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, तो उसी प्रकार ये बलराम जी स्वयं गए और जाकर हस्तिनापुर के बाहर अपना जो कैंप डालकर रहे, साथ में उद्धव भी गए थे, लेकिन उन्होंने जब आदेश देने की सारे कौरव वंशी अवश्य उनको दुर्योधन आदि सभी आकर सम्मान के साथ उनकी उनके सम्मान के साथ उनको स्वागत करते हैं, लेकिन बलराम जी कहते कि पहले आदेश देने की मुद्रा में जब कहे कि लक्ष्मणा को सांब के साथ मेरे सामने ले किया, उनके परिणय इनको विवाह करा के इनके ये मेरे पास लेके आओ, क्योंकि ये मेरे सामने ये दोनों को पति पत्नी के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तो आदेश मुद्रा में तो फिर जब भी कुरुवंशी थोड़ा घमंड प्रकट किए कि अरे हम संपूर्ण विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट की पद पर हस्तिनापुर की राजा ही माने जाते हैं, और हमारे एक अधीनस्थ राज्य ये द्वारका में रहने वाले जो उग्रसेन और उनकी संरक्षण उनके साथ में जो कृष्ण बलराम ये सब हमारे अधीनस्थ है, ऐसे कहकर उन्होंने परोक्ष में कहा कि ये कृष्ण को भी ये छत्री मुकुट छत्री आदि धारण करना वो हमारे कृपा से धारण करता है, ऐसे ही कहने का जो प्रारंभ किए बलराम जी बड़े नाराज हुए कि अच्छा अटट हंस कर हंसने लगे। तभी उन्होंने कहा था कि जो भागवत के दशम स्कंद की 68वें अध्याय में 37वें श्लोक में उसको वर्णन की जाती है, बलराम जी कहते कि जस्यांग्री पंकरजोखिल लोकपालई मल्युत्मई उत्तमई धृतम उपासितम तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भव अहम अपि जस्य कला कलाया श्रीश्चो द्वयम चिरस्य उपासनंको। बलराम जी कहते कि हंसते हंसते अटट हंस करके जिनके सेवक रूप में हमें सभी मानते, मैं स्वयं अपने को जिनके सेवक मानता हूँ, ब्रह्मा शंकर जी आदि समस्त देवताएं मुनि ऋषि जिनके चरण कमल की सेवा के लिए सदा लालायित रहते हैं, तीर्थ जहां पर उनके चरण कमल की पूजा प्रत्येक तीर्थ में की जाती है और उनके लिए नृपासन क्या है, तुच्छ नृपासन, और इनको मुकुट धारण करने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए, छत्री धारण करने के लिए ये इनके निर्देश, इनको अनुमति इनसे लेना चाहिए, ये आज ये मूर्खों को सिखाऊंगा। इसलिए बलराम जी स्वयं को दास के रूप में अभिमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण का अपमान को सहन नहीं करते हैं, इन्होंने अपने हल को दिव्य हल को आस्ते आस्ते बढ़ाने लगे और पूरे हस्तिनापुर की चारों दिख चारों साइड से इसको गढ़ा बना दिया और कहे कि हस्तिनापुर को उठा के मैं पूरा फेंक दूंगा गंगा में, हस्तिनापुर रहने से रहेगा ना, ये सुपान कौरुवंशी रहेंगे ना, इनकी घमंड रहेगा। तो इसी प्रकार बलराम जी की पराक्रम को देखते हुए सारे हस्तिनापुर के निवासी फिर उनके शरण में आते हैं बलराम जी। लेकिन यह मुख्य
मुख्यतः विशेष रूप में हम देखते हैं कि बलराम जी किस प्रकार दास अभिमान रखते हैं, ये सदा कृष्ण की दास के रूप में अपने को मानते हैं, सखा के रूप में इनके साथ गोचरण लीला में भाग लेते हैं, और ये वात्सल्य के रूप में बड़े भाई होने के नाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की सभी से, कभी कभी श्री कृष्ण भी इनकी सेवा करते हैं और ये तो इनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को डांटने का अधिकार भी रहता है। जैसा ही रुक ने विशेष रूप में विवाह रुक्मणी को हरण करके जब भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे रथ में और रुक्मी ने आकर इनको बाधा दिया और रुक्मी को युद्ध में परास्त करके भगवान ने इनको रथ के पीछे लटका दिए, रथ के पीछे घिसीट होकर आ रहा था, तो उसी से बलराम जी ने आए यार आके थोड़ा सा रुक्मणी रो रही थी उसको खुश करने के लिए भगवान थोड़ा डांटे कहीं कि अरे कन्हैया ये क्या, ये हमारे संबंधी हो गया है साला है और आज उसको आप कैसे पीछे ये से बांधना रथ के पीछे लटकाना ठीक नहीं है। ये कहकर बलराम जी ने स्वयं इनको आ जाकर इनको खोल दिए। इसी प्रकार कभी कभी बलराम जी बड़े भाई का भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे ही ये सभी प्रकार की रस में इनकी सेवा करते, विशेष रूप में माधुर्य रस में जैसे कहे कि उनके छोटे बहन अनंग मंजरी भी ये बलराम जी के विस्तार कृष्ण की बड़े भाई के रूप में आते हैं, राधारानी के लिए साथ में ये छोटे भाई के रूप में छोटे बहन के रूप में रहते हैं, अनंग मंजरी के रूप में रहकर भी ये माधुर्य लीला में भाग लेते हैं, इनकी सेवा करते हैं। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद सही बलराम गौर संगे नित्यानंद, ये सभी प्रकार के लीलाओं को आस्वादन करते हैं, सेवा के आस्वादन आनंद बलराम जी लेते हैं भगवान, जो कि इसलिए इनको सेवक भगवान कहते हैं और सेव्य भगवान है कृष्ण, कृष्ण की सेवा में रहकर आनंद लेना लेने में ये बड़े निपुण रहते हैं, बस इनके सेवा करने में निपुण जैसे हैं ऐसे ही इनके इनको आनंद भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए बलराम जी की जो विस्तार, ये बलराम जी की जो महिमा भगवान श्री कृष्ण की लीला में ये इस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, विशेष रूप में इनकी और एक भूमिका जो कि आदि गुरु की भूमिका है, जो गुरु तत्व में हम देखते हैं कि बलराम जी ही आदि गुरु है, ये आदि गुरु को भूमिका निभाते हैं। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हेन निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते ना धर निताय चरण दुखानी, जैसे ही गौरांग लीला में नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार आदि गुरु की भूमिका निभाते हैं और उसी प्रकार बलराम जी भी यही आदि वही नित्यानंद है, ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइले सही बलराम होइले निताय, इसलिए ये आदि गुरु की भूमिका निभाते हैं और इनकी कृपा जो भी आप यदि कोई साधक विशेष रूप में इनकी बलराम नित्यानंद की कृपा प्राप्त नहीं करता है तो फिर वो राधा कृष्ण व गौरांग को प्राप्त करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। ये जो नित्य चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए चैतन्य भागवत में भी कहते वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, ये चैतन्य महाप्रभु की जो पहला विस्तार जो नित्यानंद है राम, ये अत्यंत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु को। तो इसलिए तुमार से प्रेम भक्ति तुमी प्रेममय बिने तुमी दिले कार भक्ति नहीं है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु की है, नित्यानंद आप तो बलराम हो बलविघ्न हो, आप एक भक्ति प्रेम भक्ति का प्रचार आनंद लेते हो, सदा नित्य आनंद में रहते, आनंद में रहते हो, आप प्रेममय अवतार हो, लेकिन आप स्वयं यदि किसी को ये प्रेम का वितरण नहीं करोगे वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कि बलराम जी इनके शरण में आए बिना हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना चाहेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि वो सभी रूप में व्याप्त हैं, शांतरस में भी ये धाम के रूप में व्याप्त है, जो हम देखते हैं कि
धाम में जो कुछ भी वृक्ष पौधा पशु पक्षी जो कि सब कृष्ण की लीला लीला को कृष्ण को आस्वादन करने में लीला में सब सहायता करते हैं सभी बलराम जी का ही विस्तार है। विशेष रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये अपने को कैसे और विस्तार करके सेवा करते हैं। नक्षत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे कृष्णर शेषता पाया शेष नाम धरे सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान अंत नहीं पान सनकादि भागवत सुने जार मुखे भगवान र गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। कहते कि और भी अपने को विस्तार करते हैं, कोई भी सेवा ऐसा नहीं है जो कि बलराम जी छोड़ देते हैं अन्य के लिए, नहीं, समस्त सेवा का अधिकार उन्हीं के पास में है। ये सेवा की प्रकृत मूल अधिकारी है। किसी भी रस में आप भगवान की सेवा करना चाहते तो इनके शरण में जाना अनिवार्य है। हम जब भी किसी मंदिर को स्थापना करना चाहते हैं, भूमि पूजन करते हैं, अनंत शेष को वहां स्थापना करते हैं, इसलिए जो भगवान किसी मर्त्य मंडल में बाई भौम लीला में भी जो कुछ लीलाओं को प्रकट करते हैं भगवान, बाद जो हम मंदिर आदि भी निर्माण करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर ही निवास वो धाम के रूप भगवान के नित्य निवास स्थल के रूप में वही इसको धारण करते हैं। इसके अलावा ये अनंत सबसे पहले इसलिए अनंत शेष को ही पूजन की जाती है। तो इसलिए छत्र ये छता के रूप में छत्री जो भगवान धारण करते हैं वही भी इनका ही विस्तार है। पादुका जो कढ़ाऊ पहनते हैं वो भी भगवान की कढ़ाऊ के रूप में स्वयं बलराम अपने को है शेष स्वयं को विस्तारित करके ही इनके कढ़ाऊ बनते हैं। जिस सज्जा के ऊपर भगवान स्वयं करते हैं वो सज्जा बा जो सिंहासन जिसके ऊपर बैठते हैं ये भी स्वयं बलराम जी स्वयं का अपने को विस्तार करके ही इनके सेवा में नियोजित होते हैं। ये जो वसन जो वस्त्र वो पहनते हैं जो उतरी जो कुछ वो पहनते ये सभी भी बलराम जी का ही विस्तार है। ऐसे जहाँ तक भी हमारे जो जनेऊ धारण करते हैं भगवान के जनेऊ के रूप में भी तो शेष ही है, ये अनंत शेष ही स्वयं जनेऊ बनकर उनके कांधे में पड़े हुए हैं। और जो इनके आवास आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन के रूप में है, इस प्रकार ये 10 रूप धारण करके ही ये भी सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए ऐसा कोई छोटा मोटा सेवा कुछ भी नहीं रहता है, जितने भी सेवा अधिकार सब कुछ वे समाप्त कर देते हैं। सभी प्रकार की सेवा ये बलराम जी कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी सेवा ऐसा नहीं जो कि वो छोड़ दिया आपके लिए। यदि हमें कोई सेवा चाहिए तब हमें तो इनके शरण में जाना चाहिए। ये इतनी सेवा करते हुए भगवान के सभी रस में सभी प्रकार के सेवा में लगे हुए तो फिर भी अपने सहस्र बदन में हजारों फण में अनंत काल से अभी तक वो उनके गुणगान करके भी आ रहे हैं। निरवधि गुणगान अंत नहीं पा, भगवान की गुणगान करते रहते हैं। ये सभी प्रकार के कीर्तन भी यही करते हैं और उन्हीं की मुखारविंद से ही सनक आदि चारों कुमार को इन्होंने भागवत भी शिक्षा दिए हैं। सनक आदि भागवत सुनेजा मुखे, इसलिए भगवान की गुणगान करते हुए प्रेमानंद में कभी कभी प्रेमाश्रु इनके अंग से गिरता है। जब भी इस भगवान इस मर्त्य पद के किसी भौम लीला में भी आते हैं तो उनके साथ में अवश्य ये भी पधारते हैं। इसलिए बलराम जी के बिना बलराम जी की कृपा के बिना कृष्ण के शरण में जाना संभव नहीं है। कृष्ण की सेवा करना का कोई भी आनंद हमें उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए इनको गुरु आदि गुरु के रूप में भी कहा जाता है। तो इसलिए नित्यानंद बलराम की कृपा बिना हमें कभी गौरांग व राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। कोई सोचा कि नहीं मैं तो राधा रानी के शरण में रहकर सब कुछ कर लूंगा, नहीं, राधा रानी भी ये राधा कृष्ण का भी माधुर्य लीला में भी स्वयं अनंग मंजरी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो तिलमार्ध तिल मुझे मेरी भक्त होता है, लेकिन यदि इसका अपराध यदि बलराम के चरण में वा नित्यानंद के चरण में रहता है, मैं कभी भी इसको अपने चरण कमल में आश्रय नहीं देता हूँ। इसलिए
नित्यानंद प्रसादे से हाय विष्णु भक्ति जानी यह कृष्ण र नित्यानंद बलराम पूर्ण शक्ति। इसलिए इनकी कृपा से ही हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होता है। इसको न जानकर जो अज्ञान का वशवर्ती होकर सीधा कृष्ण की शरण में रहता है, लेकिन मैं जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी आदि लड़ाई पांचम अध्याय की अंत में अपने स्वयं का कहानी भी कहते हैं, अपने घर में किस प्रकार उनके बड़े भाई थे, गौरांग को मानते थे लेकिन नित्यानंद को नहीं मानते थे। तो इसलिए स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं निर्लज होकर एक कहानी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नित्यानंद बलराम की गुणगान वो भी हो रहा है। तो उनकी घर में 24 घंटा कीर्तन चल अष्ट प्रहर कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चल रहा था। और उसमें मीनाकेतन रामदास जो कि नित्यानंद बलराम के पार्षद द्वादश गोपाल में से एक गोपाल थे, तो उन्होंने गए थे, ग्वाल वाल के सखा के रूप में रहते थे, वो उनके घर में पधारे थे कि इसी कृष्ण ने कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो उन्होंने गए थे उनके घर में, उनके जो एक छोटा मंदिर था, मंदिर में जो पुजारी था गुणार्दव मिश्र, वो इनको अनादर इतनी सम्मान दिया नहीं क्योंकि महाभागवत वैष्णव इनको सम्मानित करना चाहिए। जाते ही प्रवेश करते ही जो आरती कर रहा था, आरती छोड़कर आकर इनको प्रणाम करना, एक पुष्प दाना देना उसके कर्तव्य था। तो इसीलिए मीनाकेतन रामदास कहे कि ये तो रोमहर्षण के दूसरे रूप है, जो कि बलराम जी को देखकर भी इनको प्रणाम नहीं किया, वो जैसे आसन से उठा मैंने अपने आसन में उठकर खड़ा नहीं हुआ था, सम्मान नहीं किया था। इसी प्रकार लेकिन पुजारी तो हंस दिया, अपने काम में लगा रहा आरती करने में। लेकिन उनके बड़े भाई के साथ जब उन आलोचना कर रहे थे तो देखिए कि कृष्णदास कविराज के जो बड़े भाई वो पुजारी को समर्थन कर रहे हैं, और विशेष रूप में इन देखिए कि ये गौरांग को तो मान रहे स्वयं भगवान के रूप में है, गौरांग को भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये नित्यानंद को विशेष रूप में आदर नहीं देते हैं, नित्यानंद के प्रति इनकी इतनी प्रेम नहीं है। तो इसी कारण से ही मीनाकेतन रामदास अपने बांसुरी तोड़कर जो ग्वाल वाला वेश में थे उस स्थान परित्याग करके चले आए, उसी से उनके सर्वनाश हुआ। लेकिन नित्यानंद इसी घटना को देखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने बड़े भाई को बहुत डांटे कि तुम ये क्या किया, ये तो अर्ध कुकुटी न्याय जैसे हैं, जो कोई मुर्गी है तो उसको इनके अंडा में से पिछले भाग से प्राप्त करते तो अगला भाग को काट के फेंक दे, उसकी गर्दन को काट के फेंक देने से कोई उसके गर्दन को रखने से कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार ये दोनों केवल शरीर भिन्न है क्योंकि एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, आद्य काय वह कृष्ण लीला रस है, ये एक ही व्यक्ति है, केवल शरीर भिन्न दो शरीर में आए हैं। जैसे राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, ये जैसे ही एक आत्मा दो धारण शरीर धारण किए हैं। कृष्ण और बलराम भी ये कहते कि एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, ये शरीर केवल अलग अलग दिख रहा है लेकिन ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक को यदि कोई एक का शत्रु बनोगे दूसरा तुमको तुम्हारे तुमको कभी आश्रय नहीं देगा। इसलिए जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मैं ये भत्सना किया भाई को, कहा कि तू ये क्या बलराम नित्यानंद बलराम को तू आदर नहीं दिया, और चैतन्य को आदर करने चैतन्य क्या स्वीकार करेंगे तेरे भक्ति। और उसी बहुत दुखी होकर बिना खाए पिए जो सो गए तो स्वयं नित्यानंद बलराम उनको सपने में आकर उनको दर्शन दिए और इनको वृंदावन भेज दिए थे। अब वृंदावन में नित्यानंद बलराम की कृपा से ही इन्होंने आकर महान भक्ति किए, और ये हमके अमूल्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत से ग्रंथ गौरव लीला में और गोविंद लीलामृत जैसे राधा कृष्ण की लीला में गौरी वैष्णव परंपरा में दोनों अमूल्य ग्रंथ को ये कहते कि स्वयं कहते कि मैं केवल ये नित्यानंद राम ही लिख रहा है, मुझे नहीं लिख रहा हूँ, ये बलराम ही लिख रहे हैं। मैं तो 88 साल उम्र में ये हाथ हिल रहा है अंगली सब है, मेरे को लिखने का शक्ति कहाँ, मैं तो केवल लिखने को पकड़ कर बैठा, ना कोई स्मरण शक्ति मेरे पास है, लेकिन ये बलराम ही स्वयं मुझे दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो विशेष रूप में बलराम जी के शरण में जाता है, जितने भी वो
भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में बाप प्रेमोमयी सेवा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जीव गोस्वामी को तो साक्षात नित्यानंद प्रभु ने लेकर सब नवद्वीप मंडल परिक्रमा आदि करके उनकी कृपा आशीर्वाद दे कर दिए, तभी इन्होंने आकर भी वृंदावन वास की और महान पंडित बने, जो कि वृंदावन वृंदावन चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर भी नित्यानंद का ही बलराम कृपा पात्र है। तो इसी प्रकार जानते हुए हम सभी बलराम जी की आश्रय लेना चाहिए, बलराम जी की चरणारविंद आश्रय लिए बिना कोई भी गौरांग राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें विशेष रूप में प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य सलाह देते कि प्रत्येक भक्तों को नित्यानंद प्रभु की शरण में अवश्य बलराम जी की शरण में रहना जरूरी है। बलराम जी को भी अनादर नहीं करना चाहिए, बड़े भाई हैं और दोनों के रंग में केवल ये सफेद है, ये गोरे हैं और काले हैं, वो थोड़े सांवले बनने की है कृष्ण, नहीं तो उनके कार्यकलाप शक्ति सामर्थ्य सभी में दोनों पराय एक होने पर भी बलराम जी ने जानते अपनी स्थिति को, वो जानते कि मैं कृष्ण का ही विस्तार हूँ, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी रस में इनकी सेवा करके ही उनको तृप्त करते हैं। और ये वसुदेव रोहिणी विशेष रूप में वसुदेव की कई रानी थे जो कि वो जन्म लीला में आप लोग सुनेंगे, तो ये बस रोहिणी के नंदन रूप में विशेष विख्याति है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहते कि नित्यानंद बोलिते हय कृष्ण प्रेमोदय आउलाय सकल अंग अश्रु गंगा वय। यदि कोई केवल मुख में नित्यानंद बलराम बोलकर नाम उच्चारण करता है, जय निताय बा जय बलराम कहकर ऐसे ही विवल होकर नृत्य करता है, तो उसकी हृदय से ही प्रेम की उदय होता है और उनके आंख से अश्रु बहता है, गंगा जल अश्रु प्रेम अश्रु गंगा के समान बहने लगता है। नित्यानंद जो कि नित्यानंद बलराम के कृपा पात्र हैं, वो निश्चित रूप में राधा कृष्ण के चरण की प्रेम भक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए सभी हमें सलाह दी जाती कि उन्हीं की शरण में जाना, नित्यानंद बलराम के शरण में जाना है। नित्यानंद आदि गुरु है, इसीलिए विशेष रूप में उन्होंने जितनी भी हमारे पास में अज्ञानता को अज्ञान ज्ञानांजन हम जो प्रत्येक दिन गाते प्रकृति मारो अज्ञान तिमिर को नष्ट करके ज्ञान प्रदान करते हैं, यही बलराम आदि गुरु है, उनसे ही गुरु परंपरा प्रारंभ होती है और उसकी चर्चा काल करेंगे। जो दो अनर्थ विशेष रूप में ब्रज में बलराम जी दो राक्षस को वध किए हैं, धेनुकासुर तथा प्रलम्बासुर, और ये दोनों राक्षस को केवल बलराम जी मारे, कृष्ण नहीं मारे, क्यों मारे, तो उसकी रहस्य काल हम चर्चा करेंगे कि बलराम जी किस प्रकार एक गर्धवासुर को वध करके ही वो किस प्रकार हमें ज्ञान परिचय देते हैं कि गधा अज्ञान के ही प्रतीक है। तो इसलिए बलराम जी आदि गुरु है, इसलिए वो अज्ञानता को नष्ट करके हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और प्रलम्बासुर जैसे ही इलिसिट कनेक्शन मेटेरियल एस्पिरेशन पर पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा अवैध संग की प्रबल इच्छा, ये इसके प्रति के प्रलम्बासुर, इसलिए ये दोनों अनर्थ किस प्रकार बलराम जी नष्ट करते हैं, आदि गुरु की भूमिका निभाते हुए नष्ट करते हैं, उसकी चर्चा काल कक्षा में की जाएगी और कुछ लीलाएं यदि समय के आधार पर काले हम वर्णन करेंगे। अभी और कुछ समय है तो आप लोग में प्रश्न उत्तर के लिए कोई किसके प्रश्न है तो आप अभी जिज्ञासा कर सकते हैं, 10 मिनट बाकी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री नित्यानंद बलराम की जय। कोई प्रश्न है तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने इतना सुंदर वर्णन किया बलराम जी के तत्वों के बारे में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, हम मंदिर में जब भगवान को दंडवत करते हैं तो हम चैतन्य महाप्रभु फिर कृष्ण राधारानी सबका प्रणति मंत्र बोलते हैं, तो कोई ऐसा श्लोक जिसे हम नित्यानंद या बलराम जी का प्रणति समझ कर उच्चारण कर सकते, आप सुझाव देना चाहेंगे महाराज?
नित्यानंद प्रभु की प्रणाम मंत्र में निभा एक तो मैं कहा कि जैसे सुरुदामदर गोस्वामी जो डायरी में लिखे जिसको चैतन्य चैतन्य में कहा गया संकर्षण कारण तो सही गर्भ दो सही चपय दिशाई शेष जस्यंग सकला सह नित्यानंदाक्ष राम शरण मास्तु ये इनके प्रणाम मंत्र पांच मंत्र दी गई है चैतन्य चरितामृत में पांच जो नित्यानंद बलराम की महिमा वर्णन की गई उसमें पांच प्रणाम मंत्र दी गई है। इसके अलावा बलराम जी की जो प्रणाम मंत्र हम करते हैं साधारणतः नमस्ते श्री हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनांग श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्तुते पाहिमान कृष्ण पूर्वज ये श्लोक भी है उनके प्रणाम मंत्र है बलराम जी के प्रणाम मंत्र है। तो और कोई प्रश्न है महाराज? दंडवत प्रणाम बहुत सुंदर प्रवचन दिया आपने महाराज। हम पूछना चाहते थे आपसे कि जैसे योग माया में सारे ब्रजवासी रहते हैं जिससे भगवान और भक्त दोनों प्रेम के रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन हम लीलाओं में देखते हैं कि बलराम जी उस समय भी अपनी स्थिति में रहते हैं, उनको पता है कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, तो बलराम जी अपने रस को आस्वादन कैसे करते हैं भाई का? जो बलराम जी को फिर अगर वो अपने स्थिति में रहेंगे कि मतलब उनको पता है कि कृष्ण तो भगवान ही है, तो फिर उनको बड़े भाई का जो प्रेम का रस है उसमें कैसे आस्वादन होता है? वो जानते हैं लेकिन फिर भी हैं जैसे जैसे दिया कि वो जैसे जो रुक्मणी के सामने भी कृष्ण को थोड़ा डांट दिया कई जगह पर कृष्ण को डांटने का भी बहुत उदाहरण है बलराम जी। ये सब कृष्ण का ही सेवा, कृष्ण ही स्वयं आनंद लेते हैं इन बलराम जी की इस प्रकार, क्योंकि बड़े भाई के रूप में है, इनको डांटने से उससे वो वात्सल्य ये तो वात्सल्य में डांटते हैं तो कृष्ण इसको आस्वादन करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सम्मानित करते हैं बलराम जी को सम्मान देते हैं। वो जानते हैं ये बड़े भोले वाले हैं, कृष्ण बलराम में बहुत फर्क है, बलराम जी पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, और वो कभी को कूटनीति इनको ये सब आता नहीं है, वो सीधे सीधे रहते हैं। तो बलराम ने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं दाऊ जी को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन वो जानते हैं कि बलराम जी जो लिमिट के बाहर आता है वो जानते हैं कि जरासंध को मारने वाले थे बलराम जी, लेकिन कृष्ण कहने पर फिर उन्हें छोड़ दिए, कृष्ण कहने पर फिर उसको छोड़ दिए, इसलिए वो जानते हैं कृष्ण की जहां पर कुछ कहना को भी बलराम मान लेते हैं। इसलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रकार के आनंद देने भी वो अपने स्थिति को कोई भूलते नहीं है, अपने स्वयं जो दास का अभिमान इसको त्यागते नहीं है, जैसे किसी प्रकार के रस में दास्य रस में मुख्य माध्यम है, चाहे वो साक्ष्य हो वात्सल्य हो या माधुर्य, लेकिन दास्य तो सर्वत्र है दास्य भाव, इसलिए सेवा करने की भावना के बिना कोई रस की पुष्टि नहीं होता है। इसलिए बलराम जी अपने स्थिति को जानते हुए भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और भगवान भी जानते हैं बलराम जी को, बलराम जी की किस प्रकार उनके सभी प्रकार के सेवा में लगे हुए, इसलिए उन्होंने सदा आदर देते हैं बलराम जी को, बड़े भाई के रूप में उनके सम्मान सर्वत्र कृष्ण लीला में करते हैं, कभी छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण के रूप में, तो फिर उनको बड़े भाई की भूमिका रूप में उनके वहां पर ऐसे ही व्यवहार करते हैं। इसलिए दोनों ने बलराम जी सभी के बिना भगवान श्री कृष्ण की लीला परिपुष्ट नहीं होता है, बलराम जी भी इसमें भूमिका निभाते हैं, शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य इसमें तो उनकी भूमिका ही है, और माधुर्य लड़ा में भी वो उनके छोटे भाई राधारानी के छोटे बहन का भूमिका निभाकर भी उसी लड़ा में भी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज। सो आप लेक्चर में बता रहे थे कि बलराम जी जो है वो भी वात्सल्य रस में है, तो जब मतलब दामोदर लीला में जब यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था कृष्ण भगवान को, तो तब बलराम जी भी वहां पे आए थे, तो तब वो उनको छुड़ा क्यों नहीं पाए, इसके पीछे क्या मतलब कारण है? तो उसी ब्रज में विशेष रूप में लोग कहते कि वो बलराम जी आके कहे कि यशोदा को, कहे कि एक छोड़ो इसको,
हाँ बलराम जी नहीं, उसे अन्य उसी लीला में नहीं लेकिन अन्यत्र लीला में है कि जब ये माँ ने कई बार बांधी है कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास की, एक बार दूसरे दिन बांध रहे थे तो वहां के डांटने लगे, डांटने बलराम जी कहेगी छोड़ इसको, क्योंकि कन्हैया तो पास में ही थे, बुलाने लगे दाऊ जी मुझे बांध रही है, चिल्लाने लगे कृष्ण, तो वो दाऊ जी का पहुंच गए कहे के जसुदा छोड़ इसको, तो मैं क्यों छोड़ू ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ना तुम कौन सा लाट बन गया, बोला जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, अनंत शेष का भी आदि हूँ, मैं भगवान हूँ, नहीं ये कौन है, नहीं ये तो मेरा भी भगवान है, ये स्वयं नारायण नारायण इसका विस्तार है, बहुत कुछ कहने लगे बलराम जी ने। लेकिन माँ जसोदा की बात्सल्य इतने गाढ़ था, वो कभी भी उनको भगवान रूप में नहीं मानता था, ये कहने पर भी वो अपने दासी को कहे कि थोड़ा छोड़ छोड़ी थे लात, ये वो एक कह रहा कि मैं एक नारायण है और कोई अनंत शेष है, इनको और कहीं जन्म लेने का नहीं था, मेरे घर में आके जन्म लिए ना, आज मैं देखाता हूँ। जसोदा माया के हाथ में छड़ी देखते हुए फिर बलराम जी भाग जाते हैं कि माँ जसोदा की विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के सामने है, इनको ऐश्वर्य कभी ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ब्रज की प्रेम ब्रज की भावना जो है यहाँ के निवासी कभी भी कृष्ण और बलराम को अपने भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, इनको साधारणतः ऐसा ही अपने परिवार के ही सदस्य जैसे ही से मान लेते हैं। हम ऐसे ही नंदगांव कभी गए थे, कई सन्यासी और ब्रह्मचारी से हो गए थे, तो एक सन्यासी ने कहा कि एक व्यक्ति को एक जो ग्वाल बाल 13-14 साल की उम्र में होगा, वो पीछे पीछे चल रहा था पैसा पैसा के लोभ में, तो बोले बोलो हरे कृष्णा, बोले वो तुम्हारे लिए हरे कृष्ण है, हैं हमारे लिए नहीं है, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का भक्ति करो, बोला कृष्ण भक्ति तुम्हारे लिए है, हम तो कृष्ण के कांध में चढ़ने वाले हैं, हम तो उनके साथ कुश्ती कसरत कर खेलते हैं, ऐसे कहने लगा। अर्थात तो उनकी भावना कुछ ब्रज में अलग है, ब्रजवासी इसलिए भी धाम अपराध कहते कि सबसे पहले धामवासियों को साधारण नहीं समझना और धामवासियों के साथ झगड़ा नहीं करना, चर्चा है तो उनकी स्थिति कुछ अलग है, इसलिए ब्रज में ब्रजवासियों की भावना हम, लेकिन हम साधक है तो हमारा स्थिति के अनुसार हमें साधना करना चाहिए। ओके हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, आपने इसमें बताए थे कि कालिया का लीला में बलराम जी वहां नहीं आए क्योंकि सर्पों के बीच में भगवान जन्मदिन था उसे, सर्पों के बीच में सर्पों के सामने बलराम जी का विस्तार अनंत शेष है, तो समस्त सप्त सर्पों की सर्पों की सर्पों की राजा है, तो उनके सामने जहाँ बलराम रहते सर्पों की लड़ाई नहीं होता, सर्प आकर उनके सामने अपना घमंड नहीं दिखा सकते, तो इसलिए सर्प लड़ा नहीं होता, बलराम जी जहाँ रहते हैं, जब बलराम जी अपनी लड़ा को स्मरण किए नित्य लड़ा में प्रवेश किए तो उन्होंने उनकी मुख एक सर्प ही रूप के रूप में ही वो अंतर्हित हो गए, सर्प ही प्रकट हुआ, फिर वहीं से वो अंतर्ध्यान हो गए, तो इसलिए अनंत शेष उनका विस्तार है लेकिन मूल रूप में वो तो स्वयं बलराम जो की कृष्ण की पहला विस्तार है और उन्हीं की विस्तार ही अनंत शेष है। ये भी सभी द्वापर में जो लीला में ये नहीं आते, जैसे मूल स्वयं भगवान कृष्ण केवल वैवस्वत मानंतर के 28वें चतुर्युग में स्वयं कृष्ण आते तो वहां पर स्वयं बलराम आते हैं, लेकिन तो अन्य सब अन्य प्रत्येक चतुर्युग में द्वापर में जो कृष्ण आते तो वो भी ना स्वयं कृष्ण होते ना स्वयं बलराम भी आते हैं, ये केवल उनके ही विस्तार है रूपानंद से ही केवल आकर बलराम जी की भूमिका निभाते हैं। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ महाराज, एक और एक सवाल था, लास्ट एक सवाल है महाराज जी। बलराम जी कई सारे सेवाएं करते हैं जैसे कि शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, सभी इसमें सेवा करते भी निरवधि भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम कभी प्रीचिंग करते हैं कभी सेवा करते हैं, दोनों साथ नहीं होता है, तो महाराज आपका थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। प्रीचिंग करते और सेवा कर क्या क्या बोल रहे हैं आप इसे? कभी मतलब बाकी हम कुछ सेवा करते हैं मंदिर में, अलग अलग सेवा करते हैं, या तो मंदिर में प्रीचिंग करने के टाइम में मतलब सेवा नहीं होता है,
मतलब यहाँ पर बलराम जी है इतना सब सेवा करते हुए भी निरवधि भगवान का गुणगान करते हैं, तो महाराज आपके इसके बारे में आपने बताए थे तो भगवान के लिए संभव है। भगवान अपने को विस्तार करते हैं पांच रूप में, ये तो सृष्टि कार्य करते, सृष्टि कार्य को उन्होंने संकर्षण के रूप में आध्यात्मिक जगत का और तीनों विष्णु के रूप में इस भौतिक जगत का, लेकिन ये तो सृष्टि कार्य के लिए, और अनंत शेष के रूप में वो सभी प्रकार की सेवा कर लेते हैं। सेवा करने के साथ साथ उनकी जो अनंत मुख में उन्होंने उनकी गुणगान भी करते रहते हैं, जैसे नहीं कि वो थक जाते हैं, सारे ब्रह्मांड को सिर में धारण किए हैं सरसों की दाना के रूप में, ऐसे सेवा कर इतने सारे ब्रह्मांड को धारण करके रखने पर भी वो कभी थकते नहीं है, वो फिर भी मुख में तो सदा भगवान के नाम लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार हमें कभी शारीरिक सेवा को शारीरिक परिश्रम करने पर भी, शारीरिक कार्य बुक डिस्कशन आदि करने पर भी, हमें सदा कृष्ण के स्मरण करने से भूलना नहीं चाहिए, सदा भगवान के स्मरण रहना चाहिए, भगवान को स्मरण करना है। तो इसलिए कहते तो सभी सभी जो साधन भक्ति के सारांश के रूप में रूप गोस्वामी इसलिए कहते कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम, स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जाति चित, सर्व विधि निषेधेशु ये तो ये रेव किंकर। 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को भी स्मरण करना आवश्यक है, किसी भी समय में ये शरीर हमारा छूट सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे शरण में, हमारा स्मरण में सदा जैसे रहे। तो इसलिए ये हमारे मुनि की कृपा से, केवल बलराम की कृपा से फिर हमारे पास में ये गुण आ सकता है, उनकी कृपा के बिना हम ये सो मन मन की परे इंद्रिया, इंद्रिय की परे सॉरी इंद्रिया शरीर की परे इंद्रिया, फिर इंद्रिय की परे मन, मन की परे और जो बुद्धि आदि, बुद्धि के परे आत्मा, ये सब इनकी ये सब सभी स्थिति से मुक्त होकर सदा भगवान को स्मरण करने का शक्ति हमें वही बलराम अनंत ही प्रदान करते हैं। इसलिए उनकी भी कृपा आवश्यक है, जिनकी उनका ही विस्तार के रूप में ही सदगुरु है, गुरु उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए उनकी कृपा के बिना हमें नहीं कर सकते हैं। जैसे किताब वितरण बा कोई भी सभा में लगे रहेंगे, साथ साथ उनके स्मरण करना, तो उन्हीं की कृपा से ये होता है। हरे कृष्ण। सो समय हो चुका है, तो वहीं पर कक्षा की समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे यस हरे कृष्ण, हम धन्यवाद हरे कृष्ण, हम धन्यवाद देते हैं परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए मुझे कृपा करके ये थोड़ा बोलने के अधिकार मैंने मौका दिए हैं, और काल फिर आज से फिर सुबह काल विशेष रूप में फिर बलराम जी की कुछ लड़ाई चर्चा करेंगे। मैं आविर्भाव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो बलराम जी के आविर्भाव के दिन में उनका आविर्भाव कथा की चर्चा की जाएगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। किशोर लीला प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। कल फिर से 8 बजे इसी समय में महाराज जी फिर से कथा करने वाले हैं। आज बलराम तत्व के बारे में महाराज ने बताए हैं, कल बलराम जी का लीला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी भक्तों से विनती है कि कल भी इसी सत्र में महाराज का संघ का लाभ लेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज, हरे कृष्ण।